हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको दो फॉर एक्सेल में दो बेसिक फार्मूला के बारे में, ट्रिम एंड लेन फार्मूला। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए देखिए ट्रिम और लेन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिम फार्मूला। अगर आपको इस तरह से नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है और ऐसे आपके बहुत सारे लगभग 10-20 हज़ार एक्सेल शीट है, नाम है, तो आपको एक एक करके ऐसे बैक कर करके करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, ट्रिम फार्मूला से यहाँ पर ट्रिम दबाएंगे, उसके बाद TRIM, ये देखिए ट्रिम, उसके बाद ये टेक्स्ट को, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटर, ये देखिए राम कुमार। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं इतना, ये देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, TRIM, फिर ये वाला, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक हो जाएगा, ये देखिए। अब इसी में आपको क्या करना है, लेन फार्मूला का यूज़ करना है। यहाँ लेन फार्मूला, लेन फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू LEN, फिर ब्रैकेट। लेन लेन फार्मूला क्या करता है, लेन आपका क्या है, जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड है, जैसे सपोज एक मिनट, लेन में आप दूसरे टाइप से कर देते हैं। लेन फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे राम नारायण, अब पूछ दिया इसको कितने वर्ड करने में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड को या यहाँ काउंट करने के लिए करते हैं लेन, LEN, यहाँ पर देखिए लेन, और इसको कर देंगे क्लिक, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। टोटल 10 कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ये देखिए। इस तरह से काउंट करने के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ पर मैं डाली, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर खींच देते हैं इसको, पकड़ के यहाँ से खींच देते हैं, तो आपका ये देखिए 7 7 कैरेक्टर है। तो इस तरह से आप ट्रिम और लेन फार्मूला का यूज़ कर। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।